पी2पी ट्रेडिंग के कारण बैंक अकाउंट फ्रीज होने की हवा इतनी जोरों शोरों से चल रही है कि लोग इतने डर गए हैं कि वो पी2पी ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहते, उनको ये सेफ लगता ही नहीं है। इवन मैंने आपको परमानेंट सॉल्यूशन भी बता दिया था कि अगर आप वो वाली चीजें करेंगे तो आपके साथ ये चीजें नहीं होंगी और आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरा वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो उसको जरूर से देखना, मैंने उसमें डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे जिससे अपन यहाँ पे और एक सिक्योरिटी लेयर अपने पे ऐड कर सकते हैं ताकि अपने साथ ऐसी चीजें ना हो और अपन सेफ रहें। और यहाँ पे क्या होने लग रहा है, जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, जिनको पी2पी ट्रेडिंग का पी भी नहीं आता है, वो भी यहाँ पे ज्ञान देने लग रहे हैं कोई व्यूज के लिए, कोई अपने आप को एक्सपर्ट मानता है उसके चक्कर में। यहाँ पे उनको शर्म आनी चाहिए कि वो पी2पी ट्रेडिंग के बारे में ऐसे ऐसे चीजें बोल रहे हैं जो यहाँ पे है ही नहीं है। बल्कि यहाँ पे इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी है, मैं आपको बताए हुए हूँ सारी चीज, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक एक स्टेप करके भी बताऊंगा जिससे आपके सारे ये मिथ्स है ना वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में चलते हैं। देखो पहली स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे एक्सचेंज को चूज करना है जहां पे ज्यादा पी2पी ट्रेडिंग होती हो, जहां पे बायर सेलर बहुत ज्यादा होते हो, इवन वेरीफाई मर्चेंट बहुत ज्यादा हो। मैंने ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस में पी2पी ट्रेडिंग देखी है जहां पे वेरीफाई मर्चेंट नाम के हैं, दो तीन ही है, और वो मन में आ रही है ना वो वाली रेट लेने लग रहे हैं, वो सेलिंग में भी मन में आ रही वो रेट दे रहे हैं, बाइंग में भी मन में आ रही वो रेट रख रखे हैं, तो वहां पे तो आपको ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। वहां पे आपके पास ऑप्शन कम है, इवन रेट का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो आपको ऐसे एक्सचेंज में जाना चाहिए जहां पे ये वाली चीजें ना हो, वेरीफाई मर्चेंट भी ज्यादा हो, ऑप्शन बहुत ज्यादा हो, तो वो प्लेटफॉर्म है बाइनेंस। बाइनेंस में आपको सारी चीजें मिलेगी, ऑप्शन भी मिलेंगे, वेरीफाई मर्चेंट भी बहुत सारे मिलेंगे, और आपके ट्रांजेक्शन बहुत ही क्विक क्विक होंगे। जो और अदर एक्सचेंजेस है ना वहां पे क्या होता है, पी2पी ट्रेडिंग के लिए आपको एक एक घंटा भी बैठना पड़ सकता है क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन बाइनेंस पे फटाफट चीजें होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको ये वाली चीज आपके दिमाग में क्लियर कर लेनी है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाल रहे हैं ना सामने वाले को, जो भी पी2पी का सेलर है ना उसको दे रहे हैं, उससे यूएसडीटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, कभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कौन आपकी रिपोर्ट करेगा, आप खुद अपनी मर्जी से पैसा भेज रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, इसको आज अभी के अभी यहाँ पे क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजें बोलते रहते हैं। इवन कमेंटों में बहुत सारे भाई जिनको मैंने पर्सनली बोल भी दिया है कि देखो भाई पी2पी ट्रेडिंग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज करो, वो भी यहाँ पे अभी भी वैम में ही है। तो मैं यहाँ आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा ना सामने वाले को, सेलर को, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, यहाँ पे अकाउंट फ्रीज कौन करेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आने लग रही है कि जब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेजेंगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ पे होती है, जब आप यूएसडीटी को सेल करते हैं और अपने बैंक अकाउंट में INR मंगाते हैं, तब ये वाली दिक्कत सामने आती है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, वो एक स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे अपन, ये जो स्कैम होने लग रहे हैं उनसे, यहाँ स्कैमर खुद रोएगा, वो खुद परेशान हो जाएगा कि मैं अब क्या करूँ। तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके सामने ये वाला इंटरफेस देखने मिल रहा है, आपको क्या करना है, जो ये फिल्टर वाला ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करना है, और आपका जो भी यहाँ पे डिजायरेबल अमाउंट है जितनी आप यूएसडीटी सेल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना, और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको वेरीफाई मर्चेंट करने का ऑप्शन आता है, उसको टिक कर देना है और इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास वेरीफाई मर्चेंट आएंगे। अब देखो यहाँ पे आप जो वेरीफाई मर्चेंट से डील करेंगे तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और एक स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पे आप जो भी वेरीफाई मर्चेंट चूज करो, देखो यहाँ 99% वेरीफाई मर्चेंट है ना, उनमें यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी 1% यहाँ पे यहाँ डर रहता है कि इनमें से भी कोई स्कैमर ना आ जाए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे किसी की प्रोफाइल खरीद सकता है, हैक कर सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप उस वेरीफाई मर्चेंट पे जाइए, वहां पे आपका जो भी पेमेंट मेथड है वो ऐड करा हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए और अपना जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे ना तो उसके बाद वो आपका अमाउंट वो आपके बैंक अकाउंट में डालेगा, तो आप उसको पहले मैसेज में बोल देना कि देख भाई जैसा आपने आपका नाम मेंशन करा ना उसी नाम से पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए, जो वहां पे वो बायर नेम शो कर रहा होता है ना वही होना चाहिए। अगर दूसरा हो तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपको यहाँ पे जो ट्रांसफर अमाउंट है ना उस पर क्लिक नहीं करना है। जब तक वो अपने खुद के नाम से पैसा नहीं भेजता ना तब तक आपको उस ट्रांसफर अमाउंट पे क्लिक नहीं करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। आपके पास तो बहुत अच्छी चीज रहेगी कि अगर स्कैमर से भी वो पैसे मंगा भी लेता है ना कोई, तो उसको आप रिटर्न कर देंगे तो आपका बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो ही नहीं पाएगा। तो जो भी मर्चेंट अगर किसी और दूसरे नाम से पैसा भेजे तो उसको यूएसडीटी रिलीज नहीं करना है। अगर इस वीडियो को पी2पी मर्चेंट भी देख रहे हैं ना तो भाई आप भी सुन लीजिए कि आपको भी अपने नाम से ही पैसा भेजना है, कोई दूसरे नाम से भेजेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई। तो यहाँ पे अपन अपनी कम्युनिटी को ना एकदम क्लियर करते हैं ताकि सब लोग यहाँ पे सिक्योर फील करें और बढ़िया तरीके से पी2पी ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे थर्ड पार्टी से पेमेंट आता है तो यहाँ पे आपके पास तो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि वो पैसा आपके पास में है तो आप उसको भेज सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने की तो टेंशन ही नहीं रहेगी। और अगर बाई चांस वो पैसा सही आदमी ने भेजा है और वो बोलता है कि मेरा यहाँ पे गलती से चला गया, तो आप उसको रिटर्न कर देना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है,
और उससे पेमेंट तभी लेना है आपको जब वो खुद के नाम से आपको पेमेंट करे। वहां पे बायर नेम शो करता है ना, वही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे रिसेंट में ट्रांजेक्शन करा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो इस बायर के नाम दिख रहे हैं और मैं अपने गूगल पे में भी आपको जाके दिखा देता हूँ। यही सेम नेम या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी दिख रहा है। अंदर जाके भी क्लिक करता हूँ तो वहां पे वो सेम नेम दिख रहा है। मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लिया हूँ कि बंदा तो वही है, तो यहाँ पे स्कैम वाली चीज तो हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पे आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, अगर थर्ड पार्टी से पेमेंट आ भी जाता है ना तो आपको उसको रख नहीं लेना है कि आप रख ही लो, तो फिर वो रिपोर्ट तो करेगा जिस तरफ से वो पेमेंट आया, तो आप उस अमाउंट को वापस सेंड कर देना और यूएसडी रिलीज नहीं करना है। और फिर जब एक घंटा जो टाइम होता है बाइनेंस पे वो P2P डील होने का, तो वो जैसे हो जाए तो बाइनेंस आपसे पूछेगा कि आप यूएसडी रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप उसको पूरा रीजन बता देना कि ये थर्ड पार्टी से पेमेंट भेज रहा है, मेरे को स्कैमर लग रहा है और मैंने उसका अमाउंट वापस से रिटर्न भी कर दिया है और मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं करना चाहता हूँ। तो सिंपल सी चीज ये हो जाएगी और आप सेफ रहेंगे। ये बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं जो P2P ट्रेडिंग के कारण, इसका एक नंबर का इलाज है। और ये जो स्कैमर होते हैं ना वो रोएंगे, वो खुद सोचेंगे यार अब हम क्या करें, यहाँ तो लोग और भी ज्यादा समझदार हो गए और ये जो P2P ट्रेडिंग का ये प्लेटफॉर्म है बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको ऐसे एक्शन लेना है कि आपके पास जिस तरह से पैसा आ रहा है तो उसको वेरीफाई करना है। जो भी आप यहाँ पे फोन पे गूगल पे पेटीएम यूज में लेते हैं वहां चेक कर लेना, अंदर जाके भी चेक कर लेना, बैंक में चेक कर लेना, सेम हो तो आपको तब रिलीज करना है, सेम नहीं हो तब आपको रिलीज नहीं करना क्योंकि वो थर्ड पार्टी से है। और अगर थर्ड पार्टी से पेमेंट आए तो उसको होल्ड कर लेना और उसको वापस सेंड कर देना। और यहाँ पे आपको किसी भी हालत में ट्रांसफर अमाउंट पे क्लिक नहीं करना है। एक बार ट्रांसफर अमाउंट पे क्लिक कर दिए तो फिर बहुत सारे झमेले हो जाएंगे, तो इन चीजों का ध्यान में रखना। और सबसे बड़ी बात, आपको वेरीफाई मर्चेंट को ही चूज करना है। तो यही सिंपल स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है, कभी भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। मैं खुद पर्सनली P2P ट्रेडिंग करता हूं, मेरा तो आज तक बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ ही नहीं है। मैं यही चीजें फॉलो करता हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। एक तो वेरीफाई मर्चेंट चूज करना, एक उसकी यहाँ एक्यूरेसी देखना कि कितने ट्रेड करे हुए हैं, 100, 200, 500, 100, 200 से तो ज्यादा ही होने चाहिए। और यहाँ पे उसकी रेटिंग होती है वो भी देख लेता हूँ, पॉजिटिव है कि नहीं है, 90% से ज्यादा ही हो। और वो जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजता है तो नेम सेम है कि नहीं है, तो छोटी छोटी चीजें चेक करता हूँ। और यहाँ पे कभी मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाली दिक्कत तो आई नहीं है और आपके भी नहीं आएगी। और अगर सोशल मीडिया पे कोई भी जहाँ पे जो डेड उशार बनता है, जो आपको यहाँ पे ज्ञान देने लग रहा होता है कि ये गलत है, ये मत करो, वो मत करो, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, तो वो वाली चीजें नहीं होंगी। बहुत ही सेफ चीज है P2P ट्रेडिंग करना। एक टाइम पे मैं भी P2P ट्रेडिंग के खिलाफ था, लेकिन जब मेरे को इसका पोटेंशियल पता चला कि जब बैंक यहाँ पे हाथ ऊंचे कर देंगे ना, तब P2P ट्रेडिंग एकमात्र ऑप्शन रहेगा जिससे अपन लेन देन कर सकेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिए, P2P ट्रेडिंग सेफ है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा अवेयर होके करेंगे ना तब आपके साथ ये वाली चीजें नहीं रहेंगी। तो मार्केट में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लोग अवेयरनेस के बजाय लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, कुछ व्यूज के लिए कुछ एक्सपर्ट बन रहे ज्यादा ही। तो ये वाली चीजें बंद करो, उल्टा लोगों को अवेयर करो ताकि वो सही तरीके से चीजें कर सके और यहाँ पे परेशान ना हो, पैनिक ना हो। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो भी चीजें बताएं सबको समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो में आपको जरा सा नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।